दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर आज जबरदस्त गिरा है। 6% के आसपास आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स का शेयर गिरा। तो काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था, मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि क्या अब एक बहुत अच्छा टाइम आ गया है एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में पैसा लगाने का। तो अगर आपको पता होगा, 5900 का ऑल टाइम हाई रह चुका है एवेन्यू सुपरमार्ट्स का, और अभी 3400 के आसपास इसका शेयर आ चुका है। तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे, अच्छा खासा करेक्शन है। 40 से 45% तक ये शेयर इस वक्त गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर हम इस शेयर के बारे में ब्रीफली पहले कंपनी के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं, सेपरेट डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी की हुई है। तो अगर हम बेसिक बात करते हैं हम एवेन्यू सुपर मार्ट्स के बारे में, तो डीमार्ट नाम के ब्रांड से ये कंपनी चलती है और इसके बहुत सारे रिटेल स्टोर्स हैं, 250 के आसपास रिटेल स्टोर्स इसके हैं। और मेजर जो इसका काम है वो महाराष्ट्र गुजरात में मेजर काम है इसका, लेकिन अब ये धीरे धीरे बाकी पार्ट्स में भी इंडिया के स्प्रेड अपने रिटेल के स्टोर्स यहां पर कर रहा है। अगर आप ओवरऑल इसकी ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे या प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ इसकी दिखती है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे 25-30% की दिखती है लॉन्ग टर्म में, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो वो भी 25-30% के आसपास की दिखती है। तो एक अच्छी ग्रोथ इसके प्रॉफिट में देखने को मिली है। शेयर की बात करें तो ये शेयर जब से लॉन्च हुआ है, जब से इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से लगातार एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये शेयर रहा है। लगातार अच्छी रिटर्न इसके शेयर ने दिया, और बहुत कम ऐसा मौका अभी तक पिछले 5-6 साल में जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है कि ये शेयर एक साथ इतना गिरे। इससे पहले ये लगातार ऊपर जाता हुआ ही दिखता था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये इतना 40-45% की गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। हल्की बहुत 10-15-20% की गिरावट इस शेयर में लगातार पहले भी देखने को मिलती थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट अभी पहली बार देखने को मिली है। तो क्या आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, इस वक्त बहुत सारा पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए, पहले हम सेक्टर वाइज समझते हैं। सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, और आने वाले टाइम में जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि अब होता क्या है कि मेट्रोज में एटलीस्ट हमने ये देखा है कि जब भी लोग होलसेल में सामान खरीदने जाते हैं तो वो ऐसे ही रिटेल स्टोर्स पे, बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं। और बिग बाज़ार में जो हमने देखा कि पहले बिग बाज़ार बहुत अच्छा चलता था, फ्यूचर रिटेल का हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी, डेट की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, तो उसका जो मार्केट शेयर है वो भी धीरे धीरे डीमार्ट आने वाले टाइम में लेने वाला है। दूसरी चीज जो डीमार्ट के लिए अच्छी बात है वो ये है कि अभी जो इसका मेजर काम है महाराष्ट्र और गुजरात में, लगभग सब लोग इस ब्रांड को जानते हैं, लेकिन नॉर्थ साइड में बहुत ज्यादा अभी इसकी रीच नहीं है। थोड़े बहुत स्टोर्स इसने खोले हैं नॉर्थ साइड में, लेकिन वो उस लेवल की रीच अभी इसकी नहीं है जैसी इसकी महाराष्ट्र और गुजरात में है। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके पास कि ये ऑल ओवर इंडिया अपने अभी स्टोर्स खोल चुका है, खोल सकता है, तो उस लेवल पे भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन अभी इसकी नहीं हुई है। तो सेक्टर वाइज भी अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसी सेक्टर में एक मेजर प्लेयर था बिग बाजार, जहां पर उसके स्टोर्स में दिक्कतें आई, तो उसका जो शेयर है वो भी कैप्चर ये कर सकती है। और विद इन कंपनी अगर आप देखेंगे तो फुल्ली अभी पेनिट्रेट इसने नहीं किया है ऑल ओवर इंडिया, तो इन चीजों के लिए बहुत अच्छा इसका शेयर दिखता है। लेकिन अगर आप कुछ नेगेटिव साइड्स की बात करेंगे तो सबसे नेगेटिव बात जो इस वक्त है वो है जो अभी रिसेशन का माहौल बना हुआ है। तो अगर आप रेवेन्यू वाइज इसकी बात करेंगे तो इसके जो शेयर्स है, जो उसका 50% जो इसका रेवेन्यू है वो फूड सेगमेंट से आता है, और 20% जो इसका रेवेन्यू है वो FMCG सेगमेंट से आता है। तो मेजर रेवेन्यू का जो इसका सोर्स है वो फूड और FMCG सेक्टर है। जो लेकिन अगर रिसेशन एक्चुअल में आता है या ग्रोथ स्लो होती है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली डीमार्ट के ऊपर भी पड़ सकता है। पहली चीज तो ये बहुत एग्रेसिवली एक्सटेंशंस नहीं कर पाएगा, जो हमें उम्मीद है कि ये लगातार और सिटीज में अपने नए स्टोर्स खोलेगा, हो सकता है उसमें थोड़ी दिक्कत आए। पहला जो रिस्क है वो ये है, और दूसरा रिस्क है कि हो सकता है जो उसकी ओवरऑल सेल्स है उसमें थोड़ी कमी देखने को मिले, क्योंकि लगातार अगर डीग्रोथ होती है GDP में तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ऐसी कंपनीज पे भी आता है। तो लोग अगर जाकर खरीदेंगे भी, होलसेल में माल भी खरीदते हैं, तो लोग कम सामान खरीदते हैं, और जो मार्जिन हैं वो भी इनको कम रखने पड़ते हैं। तो ये दूसरा एक रिस्क है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, अपने सेक्टर में वेल प्लेस्ड कंपनी है, लेकिन अभी जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, अभी जो इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है, उससे आने वाले 6-8-9 महीने इस कंपनी के लिए
थोड़े हो सकता है कि इनके जो रेवेन्यूज हैं उसमें थोड़ी डी ग्रोथ हो जाए, या फिर जितना एंटीसिपेट किया जा रहा है उतनी ज्यादा ग्रोथ ना हो, तो ये आने वाले 6-8 महीने में ये दिक्कत इसके साथ आ सकती है। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशंस में यहां पर बात करते हैं, तो अगर आप देखेंगे अभी ये 3400 के आसपास कर रहा है ट्रेड, और इसका अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो 150 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि एक बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। मैं ये मानता हूं कि ये जो रिटेल सेक्टर है इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये मार्केट ने कंपैरेटिवली ज्यादा रखी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इसी कंपनी की एक साल की मीडियन पीई देखेंगे, या इवन 3 साल की मीडियन पीई देखेंगे, या फिर आप 5 साल की मीडियन पीई भी देखेंगे, उससे भी यहां पर कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा ये दिखती है। अगर आप 5 साल की इसकी पीई देखेंगे तो 146 के आसपास है, और इसकी जो अभी पीई चल रही है वो 150 के आसपास चल रही है। तो अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो काफी अच्छी करेक्शन हो चुकी है, कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6-8 महीने इस शेयर के लिए थोड़े क्रिटिकल हो सकते हैं, और जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे आप उस क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं। अगर इनके प्रॉफिट्स में डी ग्रोथ देखने को मिलती है या फिर उतनी ग्रोथ नहीं होती है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसके शेयर में और ज्यादा गिरावट भी आ सकती है। तो वो चीज आप समझकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस कंपनी में इस वक्त इन्वेस्ट करिए, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप एक साथ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, सिर्फ 20% पैसा इस वक्त आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और अगर इसका शेयर और ज्यादा करेक्ट होता है तो और पैसा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाला 6-8-9 महीने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अभी मार्केट के लिए रहने वाले हैं, तो हो सकता है आपको इससे भी ज्यादा अच्छे मौके इस शेयर में मिले। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकती है, लेकिन जो करंट मार्केट कंडीशंस हैं उसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करते हुए थोड़ा अभी कंजर्वेटिव रहने की जरूरत है। इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें भी तो थोड़ा बहुत पैसा ही इस वक्त आप इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।